इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट करीब 828 मीटर है। क्या आप जानते हैं, जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो सीमेंट का जो मिश्रण है वह जमीन पर ही बनाया जा रहा था। अब आप इसकी हाइट का अंदाजा कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि सीमेंट ऊपर लेकर जाते समय रास्ते में ही सीमेंट सूख जाया करता था। अब सीमेंट के मिश्रण को इतनी जल्दी ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इन्होंने दुनिया के 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप को मंगवाया, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। अब दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा की जमीन के नीचे कितना सरिया लगा हुआ है? आखिर क्यों बुर्ज खलीफा के काम को बीच में 1.5 साल के लिए रोक दिया गया? और आज के टाइम में बुर्ज खलीफा एक दिन में कितनी कमाई करता है? और बुर्ज खलीफा की सफाई करने में आखिर करोड़ों का खर्च क्यों आ जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की बात करें तो वहां से कहा जाता है कि पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर गए होंगे और वहां पर जाकर खाना खाया होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर सिर्फ एक टाइम का खाना ही 7 से 8 लाख रुपए में पड़ता है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 3,20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। एक अंदाजे के हिसाब से देखें तो कंक्रीट और स्टील पाइप का वजन करीब 200 हाथियों के बराबर होगा। आपको पता होगा कि पहले बुर्ज खलीफा की जमीन रेत से भरी हुआ करती थी, और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जैसी अगर कोई ऊंची और फिर महंगी बिल्डिंग उस पर बना दी जाए तो फिर वो कभी भी गिर सकती है, और बुर्ज खलीफा तो उस पर खड़ा ही नहीं हो पाता। अब इसके लिए बुर्ज खलीफा के नीचे स्टील के हजारों टन के पाइप डाले गए ताकि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। बुर्ज खलीफा की जो विंडोज हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि नॉर्मल ग्लास की बनी है, लेकिन आपको बता दें कि पहले यहाँ पर नॉर्मल ग्लास ही लगाया गया था, लेकिन उस समय अंदर के टेम्परेचर की बात करें तो वो 100 डिग्री तक पहुंच गया था, जितने में पानी भी उबलने लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान अंदर चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। अब दोस्तों, अगर इस केस में एसी लगवाएं तो बिजली का खर्च ही हर महीने करोड़ों रुपए का आ जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर लेकर आने में बहुत ज्यादा बिजली की खपत होगी, और इसी का सलूशन ढूंढने में ही इंजीनियर्स को 1.5 साल लग गया। अब मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफा ने एक खास तरह का गिलास बनाया जो कि सूरज की यूवी रेज से गर्म नहीं होता था। अब यह गिलास $40,000 का था और ऐसे तकरीबन 24,000 पैनल चाहिए थे। अब हुआ यूं कि उन्होंने इस कॉस्ट को कम करने के लिए बुर्ज खलीफा के पास ही ग्लास की फैक्ट्री बना डाली, और इस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए का खर्च दिमाग का इस्तेमाल करके बचा लिया। अब दोस्तों, अगर हम बात करें आखिर बुर्ज खलीफा एक दिन में कितना रुपया कमाता है, तो फिर अगर रिपोर्ट की माने तो बुर्ज खलीफा ने सन 2019 में करीब $1.5 बिलियन की कमाई की, यानी कि करीबन 12,000 करोड़ रुपए, और बुर्ज खलीफा को बनाने में भी सिर्फ 12,000 करोड़ का ही खर्च आया था। यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाने में जितना पैसा लगा उतना पैसा तो बुर्ज खलीफा सिर्फ एक साल में ही कमा लेता है। और दोस्तों, अगर बुर्ज खलीफा की एक दिन की कमाई की बात करें तो वो है 32 करोड़ रुपए। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर कोई 10 से 15 फीट की पाइप लगी है, लेकिन एक्चुअल में यह पाइप तकरीबन 136 मीटर लंबी और 330 टन वजनीय है। इस पाइप को इतना ऊपर तक ले जाने के लिए आज तक कोई क्रेन नहीं बनी थी, क्योंकि यह काफी वजनीय भी था। लेकिन अगर इंजीनियर्स ना होते तो शायद ही बुर्ज खलीफा जैसी कोई चीज दुनिया में खड़ी हो पाती। बुर्ज खलीफा के उस पाइप को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और एक एक करके ऊपर ले जाकर असेंबल किया गया। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की सारी खिड़कियों को ही साफ करने में हफ्ते में करोड़ों का खर्च आ जाता है। वैसे क्या आपने कभी रियल में बुर्ज खलीफा देखा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।